नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्र जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीब आदमी है, इतना जब बिल आता है कैसे हम लोग देंगे? कमा कर को खाता है, गरीब आदमी है। यदि बिल अभी आया नहीं है, मतलब आएगा 2 महीना हो गया, अब बोलता जरा आइए, अब कितना आएगा, नहीं आएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर इस वक्त की खबर। मंगलवार को कटिहार जिले के डंडखोड़ा प्रखंड मुख्यालय में राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर प्रीपेड के खिलाफ एक बार आवाज बुलंद की। धरना का मुख्य उद्देश्य है स्मार्ट मीटर को लेकर। स्मार्ट मीटर को लेकर के जो सरकार हवा बनाई है, सरकार का मुख्य फोकस है कि स्मार्ट मीटर सरकार चाह रही है। ये सरकार आरएसएस के मतलब जो है गोद में जाके बैठ गई है। नीतीश माननीय मुख्यमंत्री का मानसिकता बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। कहता है कि उम्र के हिसाब से बुद्धि होता है और उम्र के हिसाब से बुद्धि भ्रष्ट होता है। माननीय मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं और ख़ास करके सरकार चाह रही है कि एससी एसटी के जो झुग्गी झोपड़ियों में लाइट जल रहे हैं उससे सरकार को जलन हो रही है। सरकार चाह रही है कि बिजली बिल का सबसे पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली का जो रेट है बिहार प्रदेश में है मेरा, और बिहार प्रदेश में इतनी ज़्यादा रेट होने के बावजूद भी सरकार का मुख्य फोकस जो है दलित तबके वंचित शोषित लोगों के जो है विरोध में है। सरकार चाहती है कि ऐसे अगर हम लोग मतलब स्मार्ट मीटर, अब तो प्रशासन का एक लेटर भी जारी हुआ है, ये तो हास्य की बात है कि बलपूर्वक का इस्तेमाल किया गया है। तो बलपूर्वक का इस्तेमाल करना है तो कीजिए, हम लोग भी थोड़ा डरते हैं। जहां होगा वहां मजबूती के साथ रहेंगे और किसी भी सूरत में दलित हो चाहे वंचित हो चाहे शोषित हो, वहां झुग्गी झोपड़ियों में हम लोग स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश में हमारा 2 करोड़ जो है कंज्यूमर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के विरोध में है और ये मनमानी नहीं चलेगा। फिर ये तो वही बात हो गई रोलेक्ट एक्ट वाला, ये तो वही बात हो गई क्या बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप नहीं देगा, आप जनता को गोली चलवाना चाहते हैं, आप आपकी मंशा क्या है? तो एक वरिष्ठ आईएएस थे और 2 जिले के सांसद थे, वहाँ हमारी बात हो रही थी तो पता चला कि हमारा बेटा गाड़ी चला रहा है और किसी दलित का बेटा गाड़ी चला रहा है, किसी गरीब का बेटा गाड़ी चला रहा है, तो हमको क्या फिर मतलब जो है तवज्जब रहेगा कि नहीं हम अधिकारी का मतलब जो है बेटा है? तो आप इसको समझ सकते हैं, सरकार का मुख्य फोकस है कि गरीब के घर में बिजली नहीं जले। आपको बताते चले कि प्रखंड अध्यक्ष करुण कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। आज पूरा बिहार की जनता स्मार्ट मीटर में अधिक रुपए देने पड़ते हैं, जहां पहले बिजली बिल बिहार सरकार की सब्सिडी काट कर बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ आज स्मार्ट मीटर लगाने के बाद टोटल रुपए कंज्यूमर को देने पड़ते हैं, आज इसको लेकर लोग परेशान हो चुके हैं। बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर को बंद करे, प्रीपेड स्मार्ट मीटर गरीबों के लिए नहीं पैसे वालों के लिए है। समय पर पैसा नहीं रहने के बाद बिजली को काट दिया जाता है और मजबूरन हमें अंधेरे में ही रहना पड़ता है। स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं पूरे बिहार में, इसका हम लोग पूरी तरह विरोध करते हैं। स्मार्ट मीटर या मीटर, ये मीटर स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट चीटर है। ये जो है जनता को ठकने की काम कर रही है। दो से तीन दिन में जो है 500 रुपए मीटर में डाले जाते हैं, उसके बाद 2 से 3 दिन में 500 रुपया खत्म हो जाते हैं। तो ये गरीब के हित में नहीं है, ये गरीब का हित में नहीं है। अब जो है पूरे बिहार में, बल्कि हमारे डंडखोरा प्रखंड में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस चीज का आंदोलन चल रही है। इसको जब तक इसको वापिस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग जो है पूरी जोर से विरोध करेंगे। चाहे रोड पे आना होगा, चाहे जिला में जाना होगा, चाहे हम लोग पटना जाना होगा, हम लोग पटना भी जाने का काम करेंगे। ये राष्ट्रीय जनता दल का श्री लालू प्रसाद यादव जी का आह्वान है और तेजस्वी यादव जी का आदेश है। ये हम लोग जो है हर कदम पे कदम और जनता के साथ में रहेंगे और जनता के हित में हर हमेशा खड़ा रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं दूसरी तरफ सूरज कुमार ठाकुर महासचिव ने कहा कि ये स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट चिटर है। हम सभी इसका पूरी जोर जोर से विरोध करते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, इतना जब बिल आता है कैसे हम लोग देंगे? कमा कर को खाता है, गरीब आदमी है। यदि बिल अभी आया नहीं है, मतलब आएगा 2 महीना हो गया, अब बोलता जरा आइए, अब कितना आएगा, नहीं आएगा। कौन मीटर लगाया है? स्मार्ट मीटर लगा है आपके घर में? हाँ, वही अति वाला रिचार्ज वाला लगाया है।
अच्छा रिचार्ज वाला लगा है। हाँ ती हमको घर में उठा तीन जनों को लगा हुआ, तीनों को तो नहीं है। अब मना भी किए थे? मना किए थे, बोले हम बोले कि घर में कोई नहीं है नहीं लगाइए, तो वो बोला कि लगा दो। वही मौजूद गरीब महिला ने कहा कि स्मार्ट मीटर जबरदस्ती हमारे घरों में लगाया गया है, पैसे नहीं रहने पर बिजली काट दी जा रही है, जिससे हम गरीब लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। हम चाहते हैं हमारे घर से स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और पुनः सरकार द्वारा दिया गया पूर्व में मीटर को लगाया जाए। वही धरने के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। धरने पर बैठे प्रधान महासचिव सूरज कुमार ठाकुर, बाल मुकुंद, रविदास मुन्ना, रविदास, विनोद मुर्मू, राकेश यादव, संजू बेसरा, कन्हैया महतो, प्रकाश शर्मा आदि लोग मौजूद थे। सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ताला सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ताला सही नहीं चलेगी।